फ्रेंड, कैसे हो आप? हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे एक साग की सब्जी जो कि पूरा लाल होता है और खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। ये हमारा फेवरेट साग है, तो चलिए तोड़ के लाते हैं। साग को हमने धोते वक्त ही अच्छे से साफ कर लिया है, तो अब हम इसे काट लेते हैं। साग की सब्जी बनाने के लिए हमने सब कुछ तैयार कर लिया है। हमने एक आलू काट लिया है, एक टमाटर काट लिया है, हल्दी लिया है, लाल मिर्च काट लिया है, नमक लिया है, जीरा, लौंग, इलायची पाउडर लिया है। सबसे पहले हम कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे। अब इसमें आलू डालेंगे, छोटा एक चम्मच हल्दी डालेंगे और एक चम्मच नमक डालेंगे और कटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। आलू को हम एक मिनट फ्राई करेंगे। अब इसमें हम पानी डालेंगे। पानी जब हल्का उबलने लगे तभी हम इसमें साग डाल देंगे। अब इसमें दो छोटी चम्मच जीरा, लौंग, इलायची मिक्स पाउडर डालेंगे। हम तड़का लगाएंगे। तेल में हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे। अब इसमें टमाटर डालेंगे। और हल्का सा नमक डालेंगे। तो हम सब्जी में डाल देते हैं। हमारा लाल साग का सब्जी बनके तैयार है, तो हम सब्जी को उतार लेते हैं। तो
तो कैसा लगा आपको हमारे ये साग की सब्जी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।